Hi guys, good evening. So I'm singing with only my song, not even a music. Okay, so please cooperate and consider me. होता है जिंदगी के साथ अचानक मन किसी के जाने के बाद कर फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात जाने क्यों starting off with other events in a little while. So till then we have a few singing rounds going on. So I would like to invite Harsh from my team. कितनी जद्दोजहद हुई है तो राहुल हम ही जानते, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। एक ये अभिमन नहीं जुड़ा था हमसे ये शुरू वाले दिन से, ये तो कैसे बताएं हम कितनी जद्दोजहद हुई। तो बाकी खुशी बहुत हो रही है, एक साल हो गया पूरा, और तो क्या बता सकते हैं। क्या कहेंगे कहेंगे, जो सुमित सर ने कहे हकीकत बात उन्होंने, बहुत जद्दोजहद करना पड़ा कि कंपनी को लेके। बाकी बस चल रहा मज़े में, इंशाल्लाह ऐसे चलता रहेगा। टीम मेंबर में ये हैं सोहेल कुरेशी, मेरे ये हमारे पारस का पत्थर है जहाँ लगाते हैं सोना आया था। बाकी हमारे अभिमन्यु हैं, प्रखर है, इन्होंने बहुत 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 सपोर्ट किया, तब जाके हम यहाँ तक आज बैठे हैं यहाँ पर। बस बाकी तो पूरा स्टाफ हमारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उपरान ना करे कभी आप लोगों की किसी की नज़र लगे। जानना ये भी चाहेंगे कि महीने में कितने बार आप लोग इकट्ठे बैठते हैं या फिर स्ट्रेटेजी जो आप बनाते हैं कि अब ये भी होना चाहिए, तो एक सेलिब्रेशन है नॉर्मली तरीके से, कैसे डिस्कशन किन चीज़ों पे होता है, किन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देते हैं? देखिए किन चीज़ों पे होता है ये तो मैं खैर बताऊँगा नहीं। हाँ वैसे ऐसा है कि मैं स्टाफ के बारे में सबके बारे में खबर लेता रहता हूँ, सबकी खुद ही निकल के रहता हूँ मैं एक एक लोगों की।
दिन में एक बार तो निकल जाता हूँ बाहर कैबिन से मेरा मतलब, बाकी तो खैर ऐसा स्टाफ में कोई बंदा नहीं जो हमसे ना खुश है। बिल्कुल सब खुशी है हमसे और यही उम्मीद करता हूँ मैं तो, वो सब खुश रहे मुझसे हमेशा, बस बाकी चलता रहे बस। सुमित सर अभी डैश पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, क्या आप एक एक लाइन में अगर सबको डिफाइन कर पाए, जैसे प्रखर जी हैं ये कितने हार्ड वर्किंग हैं, क्या इनकी बेस्ट क्वालिटीज हैं, क्या वर्स्ट क्वालिटीज हैं जो आप इनमें, और सबके बारे में, अभिमन्यु जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, सबके बारे में? बहुत टाइम हो जाएगा यार सीरियसली इनकी तारीफें करते करते बहुत टाइम हो जाएगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। अच्छा इनकी खामी में तो आप फटाफट बना सकते हैं? नहीं नहीं वो भी नहीं बताऊँ। अगर प्रखर जी मैं ये टास्क आपको दूँ या फिर किसी के बारे में कुछ बता रहा हूँ तो क्या कहेंगे? I would like to say Mr. Rahul Saxena has the best support from the management side, because I mean the way we interact with each other, it's like we are colleagues, not the management. And baki as Sumit sir said, the lines khatam ho jayengi aaj, time khatam ho jayega, so we'll wrap it up here. Aur aap sir ki Sohail sir ke bare पारस के पत्थर हैं, सो ही इज करेंटली हेडिंग द ब्रांच ऑफिस इन वाशी एंड ही इज ऑलरेडी गोइंग अवे अहेड, सो आई थिंक वी शुड कांग्रेचुलेट हिम फॉर दैट। तो बस सबसे ज़्यादा सपोर्ट हम लोगों को सोमिल सर की तरफ से मिलता है, वो ऑफिस में आते हैं, टीम मेंबर से इंटरेक्ट करते हैं, काफ़ी मोटिवेट करते हैं पूरी टीम को, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट वी हैव। और सुमित सर सारे फंड्स सुमित सर की तरफ से आते हैं, आई थिंक सबसे बड़ा हाथ सबसे बड़ा सपोर्ट सुमित सर का ही है, तो आई थिंक वी शुड गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट एज़ वेल। ने एक साथ स्टार्ट किया था कभी काम, तो स्टार्टिंग विद 5000 रुपीज चेक एंड नाउ द फिगर इज रीचिंग इन क्रोर्स, सो आई थिंक या दैट्स द बेस्ट पार्ट। अभिमन्यु जी आप किसे भी डिफाइन करेंगे बाकी अपने मेंबर्स को, जो पीछे पर लोग बैठे हुए वो भी आपकी कॉम्पिटिटिव टीम है, कैसे डिफाइन करेंगे? इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है सबका, सब में अलग अलग क्वालिटीज होती है। अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ग्रुप लीडर की क्वालिटी होती है कि सामने वाले को देख के उसको किस तरीके से काम करवाए। सेकेंड थिंग जो हमारे स्पेशली टीम लीडर्स हैं, हमारे जो मैनेजमेंट टीम है वो इतने कोऑपरेटिव है, इतने फ्रेंडली हैं कि अगर आप भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहें तो आप भी मोस्ट वेलकम, बिकॉज ये ऐसा सिस्टम है दैट एनीबडी कैन वर्क, एनीवन, इट्स वेरी ईजी। अगर आप कुछ कोई सीढ़ियों पे चलते हैं और उस समय महसूस होता है कि बहुत लंबी सीढ़ी है, बट आप देखते हो सीढ़ी पे आपका गुरु बैठे और हम आपके शिष्य हैं, तो वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इस सिस्टम पे। और इन्होंने एक बार बोल दिया कि ये सारी चीज़ें ऐसा है तो हम उसी को फॉलो करते हैं, तो बेसिकली हम सिस्टम पे भरोसा करते हैं। और सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे टीम मेंबर्स लीडर्स, जो उनकी टीम में भी वो लोग सिस्टम को ही भरोसा करते हैं, उसी लगन से उसी मेहनत से हम लोग काम करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, एवरी वन हैज़ सम डिफरेंट क्वालिटीज, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर राइट नाउ। अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं मेरे को, हमेशा उनको जो सपोर्ट ही होता है मुझसे हमेशा मिलता ही है, और कभी कुछ ऐसा रहता भी अगर नहीं बोल पा रहे तो भी किसी ना किसी तरह से गोवा फिरा के पहुँचा ही देते हैं और फिर वो काम हो भी जाता है, तो बहुत सपोर्टिव है। और जब मैंने बोला है कि ऐसे कर रहे हैं तो उन्होंने आँखें बंद करके करना ही है वो काम, को फिर रुक देंगे। सब फैमिली है मेरी, सिंगल नहीं, सब फैमिली है मेरी, पूरा सिंगल मेरी फैमिली और ये मेरे चार स्पेशल लोग। टाइम टू टाइम मस्ती भी करते हैं और काम के टाइम पे सिर्फ काम भी करते हैं, और जब काम करने पे आते हैं तब सिर्फ काम करते हैं, और अगर आज ये लोग नहीं होते तो हम लोग भी यहाँ तक नहीं पहुँचते, तो रियली थैंक यू ऑल। उसके लिए चार सिपाही हायर किए ना सर, बरकर अभिमन्यु सोहेल और राहुल, बस यही मेरे साथ जुड़े रहे, मेरी टीम कहाँ से कहाँ चली गई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही बोले, मुझे बताएंगे, मुझे बताएंगे कुछ।
ये राहुल ज्यादा बता अच्छा था ये गाइस इसके लिए हमने पीपीटी रखी है उसको आप एंजॉय कीजिए ओके थैंक यू और 10 क्वेश्चन देना सोहेल सर के और 10 क्वेश्चन लो सोहेल सर के फटाफट नहीं यार जी बिल्कुल सबसे पहले तो मेरा नाम सोहेल कुरैशी है और मैंने स्टार्ट किया था एज अ BDE BDM और आज अल्हम्दुलिल्लाह एज अ ब्रांच मैनेजर हेडिंग द ब्रांच ऑफ वाशी और फिर थैंक यू सो मच उसके बाद में इस फंक्शन के लिए कितना मेरा एक्साइटेड था मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि हमने डे वन से काम किया है आई हैव बीन इन द कंपनी फॉर मोर देन अ ईयर नाउ हमने जब शुरू किया था तब कंपनी में बहुत काम करना था जैसे कि लोग समझते कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रहा मेरे लिए तो स्ट्रगल नहीं रहा क्योंकि इनिशियली तकलीफें थी लेकिन बहुत ज़्यादा यूनिक था और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था सफ़र हमारा एक साल जो कम्प्लीट किए है जिस तरह का ग्रोथ इस कंपनी ने पिछले एक साल में दिखाया है जिस तरह का एटमोसफियर हमने क्रिएट किया है आप बड़ी कंपनी में जाओ तो आपको इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा हमारे जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ है उनको जितना हम फ्रीडम देते जितना लीवे देते हम माइक्रो मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं करते कि तूने इतने बजे क्या किया तेरा तो 10 मिनट एक्सीड हो गया ना ये ना वो हम हर एक बंदे को इंडिविजुअल फ्रीडम देते हैं कि यू हैव टू बी योर बेस्ट ना कि हमारी तरह काम करे क्योंकि जब शुरुआत हुई थी मैं अभिमन्यु प्रखर हम लोग तीनों का काम करने का तरीका बहुत अलग था लेकिन तीनों का भी तरीका ऐसा था जिसको सपोर्ट किया गया और हम अपने तरीके से अपनी अपनी सक्सेस पाए हैं जो भी कभी भी सपोर्ट मिला मतलब जिस तरह की रिक्वायरमेंट रही हमने राहुल सर को सुमित सर को अप्रोच किया एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो हमको नहीं मिली या फिर हमारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं हुए इस वक्त पे मैं अपनी टीम को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन लोगों ने जिस तरह का विश्वास मुझ में दिखाया है मेरी टीम में इनिशियल टाइम से जो जुड़ा है वो अभी तक जुड़ा है मेरी टीम में अभी तक जितने भी मतलब मार्च के भी बंदे हैं जो साथ में अभी हसन मुल्ला है जो कि थर्ड मार्च से काम कर रहे हैं और उन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट करके जिस तरह से मैंने कहा उस तरह से काम किया संकेत कुराव संकेत जिस दिन से आया है मुझको आइडियल मानता रहा और उन्होंने एज अ लीडरशिप के लिए जो भी सीखना चाहा ना जब कभी भी उनको कुछ सीखना था या किसी भी तरह की तकलीफ आई तो उस वक्त में हमने मिल के काम किया बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमारे रहा है इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड लाइफस्टाइल एज़ वेल और हमने बहुत कुछ सीखा है सुमित सर ने ऐसे ऐसे मौक़ों पर ऐसे ऐसे लीडरशिप टिप्स दिए कि जो हमने जब कभी भी इम्प्लीमेंट किया है हमेशा सक्सेस ही पाइए तो ये मौका है सेलिब्रेशन का और पिछला जो साल गया है इससे कई गुना ज़्यादा हम प्रोग्रेस करेंगे इंशाल्लाह और ऐसे फंक्शंस कई गुना लार्ज स्केल में हम करेंगे आते वक्त में इंशाल्लाह इससे सुमेल सर से जी सुमेल से बोल नहीं आप बोलिए सर अच्छा आप ही बोल दीजिए सर कंपनी किस प्रकार से बोल करती है और इसका बैकबोन क्या है ये लो बर्गर आ गया बर्गर समझा देगा अभिमन्यु समझा देगा नहीं भाई मैं बोलता ही बहुत कम मेरे स्टाफ से पूछ लीजिए लोग आपको सुनना चाहते हैं ये क्वेश्चन राहुल सर से कर लीजिए आप ये राहुल सर थैंक यू मैं बोलूंगा तो मैं चार बोल दूंगा या दस बोल दूंगा चक्कर ही है मैं बोलना चाहता हूँ ये कंपनी एक कॉन्सेप्ट है पीयर टू पीयर लेंडिंग और इसमें एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है एक आम आदमी लोन ले सकता है सेम लाइक अ बैंक बट हैविंग सम डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन सो एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जिसमें हम लोग एक इन्वेस्टर और एक बॉरोअर को मर्ज किए और आज की डेट में ऑलमोस्ट 30+ कंपनीज हैं इंडिया में 2000 कंपनीज हैं जो MCA से रजिस्टर्ड हैं और RBI के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं और वेरी सून वील गेट एन NBFC पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइसेंस सो इट्स समथिंग विच इज It's a business funder. You have lots of contacts you can use in this business, and anybody can work. आप कोई भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, चाहे वो work from home हो, चाहे वो on employee हो, on role हो. ये बहुत simple business है. बस आपको लोगों से बात करनी है, उनको समझाना है हमारे concept, और उसी तरीके से हम आपको guide करते जाएंगे कि आपको क्या बोलना है सामने. तो एक उसके लिए हमारी पूरी team है, खड़ी है यहाँ पे. सारे एक designation set किया हुआ है. तो ये पूरा concept है peer to peer lending. मेरा सवाल सर ये है कि जो मेंबर्स हैं जुड़े हैं इनको बहुत आगे ले गए हैं और सर आपकी क्या कहानी
सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब आपको कैसे, आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए? वेरी गुड, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मतलब किस तरीके से आप इन लोगों को मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट तो सब यार दोस्ती से ही हैं, सब बराबर के हो गया। बाकी मेरी कहानी तो बहुत लंबी है, टाइम कम है यहाँ पर, सीधी सी बात। बिल्कुल Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।